Hi guys, this is Swagatika and welcome back to my channel. I hope you all are safe and doing amazing. So, आज है ट्यूजडे एंड मैं अभी आपको कुछ दिखाने वाली हूँ. लेट्स कम. सो गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक बॉक्स है, एक कुरियर बॉक्स आया है एंड यहाँ पे भी कुछ छोटा बड़ा हल्के एक बॉक्स, दो तीन पैकेट्स, ये सब है. एक्चुअली कुछ ये सब है ग्रोसरी सामान, राशन सामान है जो कि खत्म हो गया था, जिसको हमने पहली बार अमेज़न से ग्रोसरी ऑर्डर किया है. ये 5 दिन तक ऐसे ही हम बाहर रख लिए थे इसको. अभी मैं इसको अंदर लेके खोलूंगी, सबको प्रॉपरली सैनिटाइज करूंगी एंड आपको एक छोटा सा मिनी हाउस जैसा, ग्रोसरी हाउस जैसा करके दिखाऊंगी कि हमने क्या क्या ऑर्डर किया था. वो एक्चुअली द थिंग इज दैट के जब फर्स्ट लॉकडाउन शुरू हुआ था, इट वाज अर्ली अप्रैल. आई थिंक अर्ली अप्रैल में हमने बहुत सारे ग्रोसरी चीज, राशन सामान मंगवा लिए थे, मतलब यहीं पे लोकल स्टोर से ही लेके आ गए थे ताकि 3-4 महीने तक वो चल जाए और बार बार हमको बाहर जाने की जरूरत ना पड़े. तो ऐसा हुआ कि तब से लेकर अभी तक सारा राशन सामान एडजस्ट हो जा रहा था, बट अभी जब सारा राशन सामान खत्म हो गया है तो यहाँ का सिचुएशन भी बहुत बिगड़ गई है एंड कोरोना के नंबर्स भी इतने बढ़ गए हैं, तो बाहर जाके तो शॉपिंग करना या फिर कुछ भी ग्रोसरी लाना बहुत ही रिस्की है. सो इसलिए हमने पहली बार अमेज़न से ग्रोसरी सामान, राशन सामान ऑर्डर किया है. सो ठीक है, चलते हैं इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं. Driving just to feel young, moving away to the sea. Moving away, can't you see? Sand in your feet, feel the breeze in the summertime. Stars in the sky, one dying for the first time. Moving away to the sea. Moving away, can't you see? We'll drink any by the ocean, it's our favorite potion. Come on, baby, let me tell you one time that our days will never end, yeah. No, our days will never end, yeah. No. बॉक्सेस को खोलकर मैंने अच्छे से डेटॉल सॉल्यूशन के साथ सारी चीजों को अच्छे से सैनिटाइज किया एंड अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि हम क्या क्या चीजें ऑर्डर किए थे. ज्यादा कुछ नहीं, ज्यादा कुछ चीजें नहीं मंगवाए हैं, बस कुछ कुछ चीजें जो जरूरत की चीजें हैं वो सभी मंगवाए हैं. तो सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि हमने मंगवाए हैं 2 डेटॉल के 2 बोतल मंगवाए हैं. आजकल डेटॉल तो कहीं पे मिलता भी नहीं है, ना ऑनलाइन मिल रहा है ना ऑफलाइन मिल रहा है, बट लकीली मुझे 2 बोतल मिल गए हैं. तो ये है हमारा फर्स्ट प्रोडक्ट एंड एक चाय का एक बड़ा वाला पैकेट मंगवा दिए हैं ताकि बार बार मंगवाना ना पड़े. एंड ये है एक ब्रोकन राइस, इडली बनाने का राइस है ये. ये 1/2 किलो का, 1 किलो का पैकेट है. एंड ये कुछ सोप्स, डेली यूज सोप्स मंगवाए हैं. दालचीनी का एक पैकेट मंगवाए हैं. आजकल हम लोग हर रोज एक हर्बल काढ़ा बना के पी रहे हैं
जिसका रेसिपी मैं मेरे प्रीवियस वीडियो में आपके साथ शेयर की हूँ, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो वो गाढ़ा बनाने के लिए दालचीनी की जरूरत है, दालचीनी खत्म हो गई थी तो दालचीनी की भी एक पैकेट मंगवाए हैं। ये है विम का डिश वॉश लिक्विड, एक बड़ा वाला पैकेट है, बड़ा वाला बोतल है तो काफी दिन चला जाएगा ताकि बार बार खरीदना ना पड़े, इसके लिए बड़ा वाला बोतल मंगवा लिए हैं। एंड ये है एक ओट्स, एंड ये दो नान प्रो के दो है जो सोना के लिए है, ये मिल्क पाउडर है, बेबी मिल्क पाउडर, जिन लोगों को नहीं पता नान प्रो क्या होता है। एंड ये दो पाउडर है, कुछ केमिकल पाउडर है वॉशिंग मशीन साफ करने के लिए, हमारे वॉशिंग मशीन में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है तो उसको साफ करने के लिए ये चाहिए, दो पैकेट मंगवाए हैं। एंड ये एक टायर्ड डिटर्जेंट पाउडर का एक बड़ा पैकेट, एक गरम मसाला पाउडर का डिब्बा, एक बिस्किट पैकेट, एक हर्बल हैंड वॉश, ये हिमालय का हैंड वॉश है नीम एंड तुलसी का, एंड वन हिमालय का सैनिटाइजर, एंड ये एक शुद्ध घी है, शुद्ध देसी घी, शायद हाफ किलो है, ये हाफ किलो का शुद्ध घी का पैकेट है। एंड ये है सूजी का एक पैकेट, एंड ये है कुछ कुकिंग ऑयल, इस तरह से चार पैकेट्स कुकिंग ऑयल मंगवाए हैं। एंड सॉल्ट मंगवाए हैं तीन, टाटा सॉल्ट, रेगुलर सॉल्ट जो खाने का होता है। एंड ये ग्लास चीज है जिसको मैं सिर्फ ऊपर से सैनिटाइज की हूँ, एंड अंदर से मैं इसको नहीं जिप नहीं खोला है अभी तक। ये है एक मैट्रेस प्रोटेक्टर, इसको अच्छे से डेटॉल पानी में धो के सुखाएंगे, उसके बाद हम इसको यूज करेंगे। ये हम डालेंगे मैट्रेसेस के ऊपर ताकि ये मैट्रेसेस को प्रोटेक्ट करेगा। ये एब्सोल्युटली वाटरप्रूफ है, अगर आपके घर में भी कोई बच्चे हैं तो पानी गिर जाता है या फिर गलती से सूसू पोटी कुछ कर लेते हैं तो ये आपके मैट्रेसेस को प्रोटेक्ट करेगा। सो मैं दूसरे वीडियो बना के इसका रिव्यू मैं आपके साथ शेयर करूंगी। सो ये है एक मैट्रेसेस प्रोटेक्टर। सो ये थी फाइनल चीज। सो ये सारी चीजें हमने अमेजोन से मंगवाए थे। नॉर्मली हम ग्रोसरी ये राशन सामान ये सब लोकल स्टोर से ही लेते हैं, बट पहली बार हमने अमेजोन से ऑर्डर किया है क्योंकि यहाँ पे कोरोना का नंबर इतना बढ़ गया है तो बाहर जाके रिस्क कौन लेगा, इसके लिए अच्छा है घर बैठे मंगवा लो सेफ्टी पर्पस से। तो बस ये थी मेरी छोटी सी ग्रोसरी हाउल। तो ये सारी चीजें अभी मैं लेके इसके सारे चीजों की अपनी रेस्पेक्टिव प्लेस में रखूंगी, एंड पीछे जो कार्टून बॉक्स वगैरह सब दिख रहा है वो सब मैं जाके फेंकूंगी, एंड उसके बाद चाय पीऊंगी, फिर बाद में आपके साथ मिलती हूँ, बाय। एंड देखो सोना यहाँ पे खेल में बिजी है। अभी शाम के 6 बज रहे हैं एंड मुझे थोड़ी थोड़ी भूख लग रही है, इसके लिए मैं अभी बनाऊंगी चिली गार्लिक नूडल। सो इसके लिए सबसे पहले मुझे नूडल्स को बॉयल करना होगा, तो मैं एक पतीले में थोड़ा पानी गर्म कर रही हूँ, एंड इसमें अभी मैं डालूंगी थोड़ा सा नमक, एंड
एंड लगभग एक चम्मच ऑयल जो कि हमारे नूडल्स को नॉन स्टिकी बनाएगा इसके लिए। एंड अभी हम इसमें डाल देंगे नूडल्स। तो नूडल को यहाँ पे बॉईल होने के लिए छोड़ दिया है, इसको एटलीस्ट 5 से 10 मिनट लगेगा। मैं बीच बीच में चेक करूंगी। सो जब तक वो बॉईल होता है मैं वेजिटेबल्स की चॉपिंग कर लूंगी। सो यहाँ पे मैं कुछ गार्लिक को बारीक काट रही हूँ, एकदम छोटे छोटे करके काट रही हूँ। एक बड़े साइज प्याज को लेकर उसको भी पतला पतला लंबा लंबा आकार में काट रही हूँ। एंड सब्जी को भी मैं लंबा लंबा आकार में काटने की कोशिश कर रही हूँ। तो मैं यहाँ पे ली हूँ एक पत्ता गोभी का एक टुकड़ा, इसको भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि लंबा लंबा करके काटने की। एंड एक बीट रूट लेकर भी लंबा लंबा काट रही हूँ। अभी मैं दिखाती हूँ कि काटने के बाद ये किस तरह से दिखता है। ये कुछ ऐसे दिख रहा है जो कि एकदम परफेक्ट है। एंड हमारा नूडल्स भी पक चुका है। एंड मैं पानी को ड्रेन करके इसको अलग रख ली हूँ। सो सबसे पहले मैं कढ़ाई में थोड़ा सा तेल गरम कर रही हूँ। एंड जब हमारा तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा इसमें मैं ऐड करूंगी बारीक कटा हुआ गार्लिक। एंड गार्लिक को अच्छे से भून लेंगे। जब गार्लिक अच्छे से बन जाएगा अभी मैं ऐड करूंगी प्याज। इन प्याज को भी अच्छे से भून लेंगे। तब तक इसको भूनना है जब तक हमारा प्याज थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट ना हो जाए, इसका कच्चापन चले जाना चाहिए प्याज का भी एंड लहसुन का भी। एंड अभी मैं डाल रही हूँ सारी सब्जियाँ। मैं यहाँ पे कैबेज एंड बीट रूट का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहे तो आपके मनपसंद की सब्जियाँ आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि कैप्सिकम हो गया या फिर स्वीट कॉर्न हो गया या फिर बीन हो गया, जो भी आपकी पसंद हो। गाजर डाल सकते हैं आप, कुछ भी आपके मनपसंद की सब्जी को आप ऐड कर सकते हैं। एंड मैं ये सब्जी को एकदम हाई फ्लेम में ही पका रही हूँ एंड बिना ढककर पका रही हूँ, ताकि हमारा जो सब्जी का क्रिस्पीनेस है वो बरकरार रहे। अगर क्रिस्पीनेस चला जाएगा तो नूडल्स का मज़ा नहीं आएगा, इसके लिए इसको बिना ढककर एंड हाई फ्लेम में ही बनाना है। एंड अभी मैं ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच रेड चिल्ली पाउडर एंड 1 चम्मच सोया सॉस। अभी मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच चिली सॉस। आप चाहे तो विनेगर एंड टमाटो सॉस भी इस टाइम पे ऐड कर सकते हैं, बट विनेगर मुझे पसंद नहीं है इसलिए मैं विनेगर नहीं डाल रही हूँ। एंड टमाटो सॉस मैं डालूंगी एकदम आखिर में, जब हमारा नूडल बन जाएगा प्लेटिंग करने के बाद प्लेट के ऊपर मैं डालूंगी। आप चाहे तो कुकिंग करते टाइम पे भी डाल सकते हैं। एंड मैं यहाँ पे डाली 1 चम्मच काली मिर्च पाउडर। सबको अच्छे से मिला लेंगे। जब सब्जी को तब तक पकाएंगे जब तक सारे सॉस एंड मसाले का फ्लेवर सब्जी में ना आ जाए। बस 2-3 मिनट पकाने से ये हो जाएगा। एंड अभी इसमें ऐड करेंगे नूडल्स। एक चीज आपने नोटिस किए होंगे कि मैं अभी तक इसमें सॉल्ट नहीं डाली हूँ, क्योंकि इसमें जितना भी मैंने चिली सॉस या सोया सॉस डाला था उसमें ऑलरेडी सॉल्ट है। एंड नूडल्स को भी बॉईल करते टाइम पे भी हमने सॉल्ट डाला था,
तो मैं सारी चीजें मिलाने के बाद सबसे आखिर में टेस्ट करके स्वाद अनुसार नमक इसमें ऐड करूंगी। सो सारी चीजों को मैंने मिला लिया है एंड सबसे आखिर में अभी मैं डाल रही हूँ सॉल्ट। एंड देखिए इसका कलर कितना बढ़िया दिख रहा है, एकदम स्ट्रीट स्टाइल नूडल के जैसे दिख रहा है, एकदम चाइनीज लुक आ रहा है। एंड हमारा नूडल्स भी एकदम खिला खिला है, वो आपस में नहीं चिपक रहे हैं, एकदम परफेक्ट दिख रहा है ना। सो नूडल हमारा बन के तैयार हो चुका है एंड अभी हम करेंगे इसके प्लेटिंग। एंड प्लेटिंग करने के बाद सबसे आखिर में मैं इसके ऊपर डालूंगी थोड़े से टमाटो सॉस। सो आवर चिली गार्लिक नूडल इज रेडी टू सर्व। सो आवर चाउमीन इज रेडी टू सर्व एंड इसका कलर फ्लेवर सब देखकर मुझे बहुत जोरों की भूख लग रही है। सो मैं खाने के लिए जा रही हूँ एंड आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा एंड ये रेसिपी आप जरूर ट्राई कीजिएगा एंड कैसा बना मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पेज, ऑल द लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। इफ यू हैवंट सब्सक्राइब्ड टू माई चैनल प्लीज डू सब्सक्राइब एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन सो दैट यू विल गेट नोटिफिकेशन एवरी टाइम आई अपलोड ए न्यू वीडियो। एंड बाय बाय, आई विल सी यू सुपर सून।